सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में स्वास्थ्य विभाग के एड्स कंट्रोल कर्मचारी कल्याण समिति के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। वहीं इस विरोध का कारण वेतन विसंगतियां हैं जिनको लेकर यह सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनको लेकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर के एड्स कंट्रोल समिति के स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने मीडिया के सामने कर्मचारियों की समस्याओं को रखा और शासन प्रशासन से उनके वेतन संबंधित दिक्कतों को दूर करने की मांग की। यह ज्ञापन वेतन विसंगति को लेकर के है जो कि पिछले कई सालों से हम लोग ICTC और ARTC जो कि HIV पेशेंटों के साथ में उनका जांच करना, दवा इलाज करना सब काम करते हैं। पिछले कई सालों से वेतन विसंगति को लेकर के बड़ी उम्मीदें हम लोगों से थी, इस बार जो दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। उससे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज यह माननीय DM साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो हमारे नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली में बैठती है टीम, वह उस पर विचार करे और हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे। इसके लिए हम लोगों की ऑल इंडिया एड्स कंट्रोलर के जो पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। आज पूरे जिले के जितने भी ICTC सेंटर हैं, हमारे ARTC सेंटर हैं, सारे स्टाफ यहाँ आकर के पूर्णता एकजुटता के साथ लगे हुए हैं कि अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग जैसा भी निर्देश होगा हम उसको पालन करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।